दोस्तों चौमासों का महीना चल रहा था। बारिश इतनी ज्यादा मूसलाधार होती थी कि सड़क के साथ साथ पूरा कच्चा रास्ता पानी से भर जाता था, जिसके साथ ही वहां से गुजर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और करीब 27 साल से ट्रक ड्राइविंग के काम में लगा हुआ हूँ। वैसे तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, जिस वजह से काम को करने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर घर की स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि बिना रोजगार के जिंदा भी नहीं रह सकते और मजबूरन हमें इस काम को अंजाम देना पड़ता है। पटना के एक छोटे से कस्बे में हमें एक बड़ा सा काम मिला था। दरअसल हमें हमारे मालिक ने एक डिलीवरी करने के खातिर पटना भेजा था। डिलीवरी का काम बहुत ही लंबा होने वाला था, क्योंकि हम जिस सफ़र को अंजाम देने वाले थे वो सफ़र लंबा होने के साथ साथ काफ़ी मुश्किल भी था। इसके बारे में मेरे खलासी ने मुझे बताया था कि मेरे साथ मेरा खलासी जुनैद भी रहता था। जुनैद ने मुझे बताया कि बरास नाम के उस छोटे से गांव के अंदर डिलीवरी करने के लिए हमें काफ़ी पहाड़ियों को चीरते हुए गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि उन पहाड़ियों पर पहले भी काफ़ी हादसे हो चुके हैं और सैकड़ों लोग उस जगह पर अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पर बुरी आत्माएँ रहती हैं। लोग हादसों में अक्सर वहाँ पर अपनी जान गंवाते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इसलिए उसकी बातों को सुनकर मुझे भी थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन आज तक के लंबे एक्सपीरियंस में मुझे कभी भी इस तरह की घटनाओं से सामना नहीं करना पड़ा था, जिस वजह से इन चीज़ों पर इतनी जल्दी यकीन ना करना भी एक लाजमी ही था। इसलिए मैंने जुनैद की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना भी ठीक नहीं समझा, मगर उसकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना भी बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए मैं हर चीज़ को ध्यान से ही समझना चाहता था। फिर जब मैंने मोबाइल के ऊपर उस रास्ते के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सच में उस रास्ते के बारे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जिक्र किया गया था। खैर, अब अगर हमारे बॉस ने इस काम के लिए चुनी लिया था तो हम उसके भरोसे को कायम रखना चाहते थे, इसलिए हमने पटना से एक बड़ा माल लिया और ट्रक के अंदर भर लिया। जब पूरा का पूरा सामान लोड हो गया तो उस सामान की पूरी जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर और खलासी पर आ जाती है, इसलिए हमें आज फूंक फूंक कर कदम रखना था, क्योंकि ट्रक के अंदर रखा हुआ सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा था। फिर मैं अपने खलासी के साथ निकला और जब हम दोनों उस कस्बे की तरफ निकले थे तो दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। उस समय धूप खिली हुई थी, लेकिन बीच बीच में काले बादल भी मंडरा रहे थे और कभी भी बारिश हो सकती थी। हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा टाइम बीता और शाम के समय हम दोनों को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, लेकिन जंगल से घिरे इस रास्ते पर ना तो हम अपनी भूख मिटा सकते थे और ना ही हम अपनी प्यास। करीबन 78 किलोमीटर तक का एरिया सिर्फ जंगल का आने वाला था। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का जंगल नहीं देखा था जो इतनी दूरी में फैला हुआ हो। और तो और उस रास्ते पर हमें कोई भी छोटा मोटा ढाबा या फिर कोई दुकान नजर ही नहीं आ रही थी। ऊपर से अब मेरा गला भी सूखता जा रहा था और मेरी सांसें भी बैठने लगी थी और इस वक्त मुझे पानी पीने की सख्त ज़रूरत थी। फिर जब मैंने अपनी सीट के नीचे देखा तो मुझे एक पानी की बोतल तो नजर आई, लेकिन इसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। फिर भी हालत मेरी ख़राब हो गई तो ऐसे में मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया और फिर उस पानी की बोतल को सामने वाले बोर्ड पर रख दिया। इधर मेरे खलासी जुनैद का भी गला प्यास के मारे सूख गया था। हमने करीब 20 मिनट से इधर उधर पानी की तलाश करने की कोशिश की, मगर हमें कहीं भी पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ देर तक ट्रक ड्राइवर करने के बाद अब चारों ओर अंधेरा छा गया और इस जंगल के अंदर जैसे अंधेरा छाया तो वहाँ की हर एक चीज़ एकदम सुनसान हो गई। वैसे तो वहाँ जंगल दिन में भी काफ़ी सन्नाटे में रहता था, लेकिन रात होते ही वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मगर हमें इन चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं था, हमें तो बस जल्दी से अपनी इस डिलीवरी को पूरा करना था। और हमारे ट्रक के अलावा कुछ इक्की दुक्की गाड़ियाँ ही थी जो सड़क के ऊपर से गुजर रही थी। वो पूरा का पूरा हाईवे ही सुनसान हो चुका था। मगर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे खलासी जुनैद को एक हैंडपम्प नज़र आने लगा। फिर जैसे उसकी नज़र हैंडपम्प पर पड़ी तो उसने मुझे ट्रक रोकने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया। मैंने देखा कि वहाँ पर एक हैंडपम्प लगा हुआ था और उसके अंदर से हम ठंडा और शीतल पानी ले सकते थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस बीच जंगल में यहाँ पर हैंडपम्प कौन लगा सकता है और इसकी पाइपलाइन का जुड़ाव कहाँ से होगा। उसके बाद इन्हीं बातों को सोचते हुए मैंने अपने खलासी जुनैद को कहा, एक काम कर दो, जल्दी से पानी की बोतल भर ले। और फिर मैंने सीट के नीचे से वो पानी की बोतल निकालकर उसके हाथ में थमा दी। फिर वो नीचे उतरा और पानी भरने के लिए चला गया। इधर मैं भी ट्रक के अंदर बैठकर इधर उधर देख रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर चारों ओर मुझे कोई ज़्यादा चहलकदमी महसूस नहीं हो रही थी और वो जंगल इतना ज़्यादा खामोश था कि उस जगह की हर एक चीज़ में मुझे हल्का हल्का डर महसूस हो रहा था। मुझे ट्रक चलाते हुए इतने साल हो गए थे, मगर आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का भयानक रास्ता और इतना भयानक जंगल नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा समय बीत गया तो मैंने देखा कि मेरा खलासी जुनैद अभी भी पानी लेकर नहीं आया था। मैंने उसे इधर उधर देखने की कोशिश भी की, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।
फिर काफ़ी देर तक जुनैद का वेट करने के बाद भी जब वहाँ पर जुनैद नहीं पहुँचा तो मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उसे देखने के लिए निकल पड़ा। वहाँ से वो हैंडपम्प करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही था, तो ऐसे में मुझे वहाँ पर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मगर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के नज़ारे को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि जुनैद वहीं बोतल में पानी भरकर नीचे गिरा हुआ था और वो बेहोश हो गया था। उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी बने हुए थे, पर मैंने इस समय पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी और उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर थोड़ी देर तक उसे इधर उधर हिलाने के बाद जब उसे होश आया तो मैंने उसे जल्दी से उठाया, लेकिन जैसे वो थोड़ा बहुत होश में आया तो फिर उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। वो इधर उधर देखकर बुरी तरह से कांपने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे भाई जुनैद क्या हुआ, तो बेहोश क्यों पड़ा था? मैंने इतना कहा ही था कि उसने मुझे ज़ोर से कसकर पकड़ लिया और फिर चिल्लाते बोला, उस्ताद जी वो हमें मार देगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ना जाने क्यों लेकिन उसकी हरकतें अब किसी बच्चे की तरह लग रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और इसके इस डर ने मुझे भी काफ़ी हद तक डरा दिया था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रक की तरफ लेकर जाने लगा। कहीं ना कहीं जुनैद को भी ये बात समझ में आ गई थी कि मैं उसे ट्रक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसके बाद वो भागता हुआ जल्दी से ट्रक में चढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतनी बुरी तरह से घबराया हुआ था। फिर भी मैं जल्दी से ट्रक में सवार हुआ और ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की मैं कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने चाबी घुमाई और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि अब ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने वहाँ पर 3 से 4 बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मुझे लगा कि साइड ट्रक के इंजन में कुछ मिस्टेक हो गई है और इसी चीज़ को देखने के लिए जब मैं ट्रक से नीचे उतरने वाला था तो अचानक से जुनैद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, उस्ताद जी नीचे जाने की हिम्मत मत करना वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा था। फिर मैंने उसे घूरते हुए देखा और कहा, जुनैद सच सच बता, हुआ क्या तेरे साथ? फिर उसने बताया कि थोड़ी देर पहले जब वो पानी की बोतल भर रहा था तो उसने देखा कि पानी की बोतल भरने के बाद वो हैंडपम्प अचानक ही चलने लगा था और उसके अंदर से खून निकलने लगा। अब ये देखकर वो डर गया, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो उसने तब देखा जब उसने पाया कि उसके आजू बाजू में 2 लोग खड़े थे और अचानक ही उन दोनों ने उसका गला पकड़ लिया और फिर उसे वहाँ से घसीटना शुरू कर दिया। मगर उसने उस हैंडपम्प के पास बने छोटे से दीवार के टुकड़े को ज़ोर से पकड़ लिया और फिर अपने आप को हिलने नहीं दिया और समय रहते ही मैं वहाँ पर पहुँच गया। मगर तब तक वो बेहोश हो चुका था और उसकी छोटी सी और खौफनाक कहानी को सुनकर मेरे भी अब रोंगटे खड़े हो गए थे और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हर एक बात में सच्चाई छुपी हुई थी। इतने में ही फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटा दिया और पहली बार मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का एहसास हुआ। दरअसल मैंने देखा कि अब मेरे ट्रक के सामने वाले कांच के शीशे पर खून के धब्बे गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से खून की बारिश हो रही है। थोड़ी देर के अंदर ही सामने वाला कांच पूरी तरह से खून के अंदर सन गया था और अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि मुझे 100% विश्वास हो गया था कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी मौत पक्की है, इसलिए मैं ट्रक के अंदर ही रहना चाहता था। लेकिन फिर दरवाजे पर अचानक से ज़ोर से दस्तक हुई, जिस वजह से मेरा ध्यान सामने वाले कांच से हटकर दरवाजे की तरफ चला गया और दरवाजे पर 2-3 बार खटखटाने की आवाज़ आई। लेकिन फिर भी हमें इस बात की हैरानी हो रही थी कि हमें बाहर की तरफ कोई नजर नहीं आ रहा था और वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सिर्फ 3 बार आई थी। इधर मेरा खलासी जुनैद भी अब बुरी तरह से डरा हुआ था और उसकी सांस भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर मैं बार बार अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश तो करता लेकिन हर बार मैं नाकाम हो जाता। फिर जब मैंने 3री बार सामने वाले कांच की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब वो कांच साफ हो चुका था और उसके किसी भी कोने पर खून का कोई नामो निशान नहीं था। फिर जब मैंने घड़ी की तरफ समय देखा तो मैंने पाया कि सुबह के 3:30 बज रहे थे और मैंने सुना है कि सुबह के 3:30 से लेकर 5:30 बजे का वक्त काफ़ी अच्छा होता है और इस वक्त काली शक्तियों की ताकत बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों आज से पहले भले ही मैंने इन चीज़ों को काल्पनिक माना था, लेकिन जब आज मेरे साथ ये घटनाएं हो रही थी तो मैं समझ गया था कि ये सब एक सत्य है। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है अब हमारा पीछा करने वाली वो दोनों बुरी ताकत यहाँ से जा चुकी हों, इसलिए मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की। और हैरान की बात तो ये थी कि इस बार ट्रक सिर्फ एक ही झटके में स्टार्ट हो गई, लेकिन दूसरी ओर जुनैद की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उसे लेकर वहाँ पहुँच गया जहाँ पर हमें डिलीवरी करनी थी। वहाँ पर एक ढाबे वाले को मैंने पूरी बात बताई तो उसने बताया कि मुझे आज ही जुनैद को लेकर पुरी जाना होगा, दरअसल पुरी धाम के अंदर इसका इलाज हो सकता है।
दोस्तों, मैंने भी पुरी धाम के बारे में काफ़ी मशहूर बातें सुनी थी और मुझे ये भी पता चला था कि वहाँ एक दिव्य मंदिर है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उसके बाद मैंने जुनैद को वहीं पर ले जाना बेहतर समझा। फिर मैं महज थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद वहाँ हमारे साथ हुई पूरी घटना के बारे में एक पंडित बाबा को बताया, जिन्होंने हमें बताया कि जिस हैंडपम्प के पास ही पानी भरने के लिए गए हुए थे वहाँ किसी की कब्र बनी हुई थी। वैसे तो उस रास्ते के हर कोने में हमें डर और खौफ ही नजर आता है, लेकिन जिस हैंडपंप के पास से इसने पानी भरा था उसकी कब्र के ऊपर इसने अपना पैर रख दिया और काली आत्मा ये कभी बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका कोई अपमान करे, इसलिए उसने हमारे हाथों पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और उसके बाद हम वहाँ से घर लौट आए। दोस्तों, उसके बाद जुनैद के साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई, लेकिन वो रात आज भी हमारे दिल और दिमाग में किसी डरावनी मूवी की तरह चलती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक।